इस रेड कलर का बटन प्रेस करके सब्सक्राइब करें बिराजनाथ चैनल को एंड बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बिराजनाथ अपने चैनल के साथ। चलिए शुरू करते हैं मुद्दे के बाद। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ डायरेक्शन टेस्ट से जो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, नाविक जीडी हो गया या फिर नाविक डीवी हो गया, ठीक है। कोस्ट गार्ड एग्जाम में डायरेक्शन टेस्ट से बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, बहुत नहीं, एक दो आते हैं, वो बेसिकली ईजी ही होते हैं। फिर भी मैं बेसिकली डायरेक्शन टेस्ट से नहीं बनाता, फिर भी आज बना रहा हूँ, ठीक है, ताकि थोड़ा बहुत आपको आइडिया दे सकूँ, ठीक है। बेसिकली ये इजी होते हैं, ठीक है। तो नाविक जीडी या नाविक डीवी दोनों एग्जाम के लिए मतलब ये इंपॉर्टेंट है डायरेक्शन टेस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। ए मैन फेसिंग टू साउथ, देखो यार सबसे पहले और तीन चार फॉर्मूला आपको मैं बता देता हूँ। जैसे एग्जाम में जाते टाइम में आपको ऊपर लिख देना है नॉर्थ, इधर ईस्ट, ठीक है, इधर साउथ, इधर वेस्ट, ये लिख देना है, ठीक है। उसके बाद और एक लिखना है, और नहीं लिखना है, मतलब आप समझ जाना, ये करोगे मतलब ये हो गया 90 डिग्री आपका, ठीक है, इधर जब आएगा, फिर इधर जब आएगा 180 डिग्री, इधर जब आएगा 270 डिग्री, इधर पूरा हो गया तो 360 डिग्री, ठीक है। तो ये दो चीज़ याद रखना है आपको, ठीक है। उसके बाद देखते हैं ए मैन फेसिंग टू साउथ, ठीक है, साउथ हो गया, इधर ही टर्न्स 135 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो क्लॉकवाइज देखो, क्लॉकवाइज ऐसे घूमता है, ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, ऐसे उल्टा घूमता है, ठीक है। तो ही टर्न्स 135 एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, तो मतलब ये हो गया 90 डिग्री, ठीक है, फिर ये हो गया आपका और 45, मतलब 135 हो गया इन द डायरेक्शन, एंड देन ही टर्न्स 180 डिग्री इन द क्लॉकवाइज, फिर 180 डिग्री पूरा उल्टा होगा, पूरा इधर घूम गया है वो, ठीक है। सो व्हिच डायरेक्शन ही इज़ फेसिंग, मतलब देखो यार ये इसका सिंपल फंडा, ये हो गया आपका नॉर्थ, इधर ऊपर नॉर्थ हो गया, इधर ईस्ट हो गया, ठीक है। सबसे पहले तो इसने क्या किया, ही फेसिंग साउथ, ठीक है, तो साउथ हो गया हमारा इधर, ठीक है, फिर 135 एंटी क्लॉकवाइज, तो इधर ये इधर आ गया वो, उसके बाद वो 180 डिग्री फिर क्लॉकवाइज घूम गया, पूरा इधर घूम गया, तो इधर मतलब इधर फेस कर रहा है, तो व्हिच डायरेक्शन ही इज़ फेसिंग, मतलब ये हो गया आपका वेस्ट, ये हो गया साउथ, तो आंसर होगा दोस्तों साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, ठीक है। तो आंसर डी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद ए मैन फेसिंग टू नॉर्थ वेस्ट, मतलब देखो ये हो गया आपका नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ऊपर इधर वेस्ट, मतलब ये हो गया, ही टर्न्स 90 डिग्री क्लॉकवाइज, मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज मतलब इधर आ गया, इधर अभी फेस कर रहा है, ठीक है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन 135 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, फिर 90 डिग्री इधर आ गया, फिर 45 डिग्री इधर आ गया, मतलब 135 डिग्री ये हो गया, इधर अब ये वो फेस कर रहा है। सो व्हिच डायरेक्शन ही इज़ फेसिंग, तो ही इज़ फेसिंग दोस्तों वेस्ट, तो आंसर बी इज़ द करेक्ट, ठीक है। उसके बाद दोस्तों थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ए मैन फेसिंग टुवर्ड्स वेस्ट, ठीक है, मैन फेसिंग टुवर्ड्स वेस्ट मतलब इधर फेस कर रहा है वेस्ट की डायरेक्शन में, इधर ऊपर हो गया, ऊपर की तरफ हो गया आपका नॉर्थ, इधर हो गया ईस्ट, ठीक है, इधर हो गया साउथ, और उधर हो गया मतलब आपका ये वाला हो गया वेस्ट, ठीक है। ए मैन फेसिंग टुवर्ड्स वेस्ट एंड टर्न्स 45 डिग्री क्लॉक वाइज, मतलब 45 डिग्री क्लॉकवाइज मतलब 90 का हाफ इधर हो गया, क्लॉकवाइज अगेन 180 डिग्री क्लॉकवाइज एंड अगेन 180 डिग्री क्लॉकवाइज, तो क्लॉक तो इधर घूमता है, तो 180 डिग्री ये हो गया आपका पूरा इधर हो गया अभी, तो देन ट्रांस टू ट्रांस 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, मतलब पूरा 180 डिग्री हो गया, फिर 90 डिग्री मतलब 280 डिग्री इधर हो गया, मतलब फाइनल जो फेसिंग होगा दोस्तों इसका उधर होगा, इधर होगा मतलब, ठीक है, तो इधर हो गया आपका वेस्ट, इधर हो गया साउथ, तो वो आंसर होगा साउथ वेस्ट, ठीक है, आंसर डी से करेक्ट, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आई एम फेसिंग ईस्ट, ठीक है, सो आई एम फेसिंग ईस्ट, ईस्ट हो गया इधर, ठीक है, आई एम फेसिंग ईस्ट, आई टर्नड 100 डिग्री क्लॉकवाइज, ठीक है, देन 100 डिग्री क्लॉकवाइज, देखो 90 डिग्री आपका ये हो गया, ठीक है, राइट एंगल, फिर 100 डिग्री से थोड़ा ज़्यादा मतलब 45 डिग्री भी नहीं, थोड़ा ज़्यादा 10 डिग्री के करीब इधर मूव करना है आपको, देन 145 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, तो व्हिच डायरेक्शन आई एम फेसिंग, ठीक है, देखना 145 से 10 माइनस करोगे मतलब 10 इधर आ गए पहले, तो आपका अभी आप फेस कर रहे हो साउथ को, ठीक है, तो फिर 135, फिर 90 डिग्री ये हो गया आपका ईस्ट हो गया, फिर 45 डिग्री ये हो गया, तो मतलब ऊपर नॉर्थ इधर ईस्ट, मतलब आपका आंसर होगा नॉर्थ ईस्ट, सो व्हिच डायरेक्शन आई एम फेसिंग, तो ये हो गया नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, आंसर होगा नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। तो दोस्तों उसके बाद ए रिवर फ्लोज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, मतलब इधर जा रहा है, ए रिवर फ्लो फ्रॉम ईस्ट वेस्ट टू ईस्ट, सॉरी, ठीक है, एंड ऑन इट्स वे टर्न लेफ्ट,
मतलब लेफ्ट इधर हो गया आपका, ठीक है। अगर इधर जा रहे हो तो लेफ्ट आपका ऊपर होगा, राइट नीचे होगा, ठीक है। राइट इधर होगा, लेफ्ट ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। एंड गो सेमी सर्कल, देखो सेमी सर्कल ऐसा होता है, फुल सर्कल नहीं बोला, सेमी सर्कल ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा होता है सेमी सर्कल, ठीक है। तो सबसे पहले तो इधर जा रहा है जो मतलब हमारा रिवर है, फिर लेफ्ट को टर्न किया, फिर सेमी सर्कल टर्न किया, ठीक है। उसके बाद सेमी सर्कल एंड राउंड हिल हॉक एंड देन टर्न्स लेफ्ट, मतलब फिर लेफ्ट को इधर फेस कर रहा है अभी रिवर, ठीक है, मतलब साउथ की तरफ फेस कर रहा है, फिर टर्न्स लेफ्ट राइट एंगल, मतलब ये जो राइट एंगल मतलब ये जो एंगल होगा दोस्तों ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। सो मतलब ये आपका राइट एंगल मतलब 90 डिग्री होगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखते हैं, ये इधर गया पहले रिवर, फिर इधर गया, फिर सेमी सर्कल, फिर लेफ्ट को मूव किया, ठीक है। सो लास्ट का तो टर्न्स लेफ्ट इन राइट एंगल, विच डायरेक्शन रिवर इज़ फाइनली फॉलोइंग, तो रिवर इज़ फॉलोइंग दोस्तों ईस्ट ही होगा, ठीक है, क्योंकि घूम फिरा के देखो इधर जा रहा है पहले रिवर, फिर लेफ्ट को मूव किया, फिर सेमी सर्कल हुआ, फिर लेफ्ट को मूव किया, तो फाइनली रिवर इधर फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो आंसर होगा दोस्तों ईस्ट। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। बेसिकली मैं डायरेक्शन टेस्ट का वीडियो नहीं बनाता, ठीक है, फिर भी एक बार देख लेना, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो पे, जय हिंद, वंदे मातरम।